सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे भविष्यों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का लेसन नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 9th स्टैंडर्ड वाला ही आए हो ना, 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको चैप्टर के कि आप फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हो और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हो, है ना। तो फोर्स वगैरह तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा हाँ, ये मैंने फोर्स ही तो लगाया है ना। ये एक्चुअली में क्या था, ये पेपर सीधा सीधा था, इसका कुछ अपना ऐसा शेप था, मैंने यूँ यूँ फोर्स लगा के यूँ फेंक दिया। डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, एक मिनट, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, शेप में चेंज आया, है ना। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट्स मोशन भी करते हैं, है ना। आपने देखा होगा अगर आप एक जैसे कोई ट्रॉली है उसको ढकेल रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो तो वो मूव कर रहा है ना। किसी चीज़ को आप खींच रहे हो वो चीज़ मूव कर रहा है ना, तो वहाँ भी आप फोर्स लगा रहे हो। फिर और क्या है, हाँ, किसी चीज़ का जैसे शेप चेंज करके दिखाया हमने। फिर हम जैसे बॉल वगैरह होता है ना, रबर वगैरह के बॉल, उसको भी अपन प्रेस करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, ये भी एक तरह का फोर्स लगाना हुआ। या फिर अपन किसी चीज़ को किक मारे, ओह एक मिनट, मतलब किसी चीज़ को किक मारे तो भी अपन वहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं ना। फुटबॉल वगैरह पे किक मारते हैं तो चीज़ें उड़ने लगती हैं। तो कई तरह के अपन फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो हो गया कि अपन को इतना तो पता है कि फोर्स होता क्या है, अपन इसको एक्सपीरियंस करते हैं, पर अपन ने देखा नहीं है, राइट। अपन ने कभी देखा भी नहीं है ना फोर्स कैसा होता है, कभी आपने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट्स की बात करें, ये या फिर एक मैग्नेट ले लो और एक आयरन का पीस ले लो, मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो धड़ाक से इधर अट्रैक होकर आ गया, आपने देखा है ना कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तो आ गई, लेकिन आपको ऐसा कुछ दिखा कि वहाँ पे जैसे कि पिक्चर वगैरह में सीरियल वगैरह में दिखाते हैं कि शक्तियाँ निकल रही हैं, लाइट्स हैं, शक्तियाँ निकल रही हैं, वैसे कुछ खींचती हुई शक्ति आ रही है और उसको ऐसे खींच के ले आई, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, है ना। कुछ नहीं दिखता है, बस इतना दिखता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करके चला गया। तो आपने क्या बोला कि हाँ, इस बीच में कुछ फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, राइट, यही है ना। तो फोर्स को हम देखते तो नहीं है लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे सेंस कर सकते हैं, बराबर है। तो फोर्स का डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। वैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो फोर्स होता क्या है बेसिकली, फोर्स है, इट इज अ पुश और पुल। बस सिंपल तौर पर आप इतना डिफाइन कर देते हैं कि पुश या पुल है ना। आप किसी चीज को, इसको नहीं, इसको खींचूंगा गिर जाएगा, आप किसी चीज को जैसे कि ये बुक है यहाँ रखी हुई है, इसको ऐसे पुश कर सकते हो, इसको ऐसे पुल कर रहे हो, आप पुश या पुल कर रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, राइट। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाने के लिए हर बार ऑब्जेक्ट को टच करो, है ना, बिना टच किए भी फोर्स लगता है, ठीक है। तो बेसिकली फोर्सेस को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और भी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस दो ही तरह के क्लासिफिकेशन है, मतलब ये एक जो क्लासिफिकेशन हम आज स्टडी करने वाले हैं ये एक क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा और कई तरह के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस पूरे नेचर में चार होते हैं, ये सब चीज़ें तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल तौर पर बता दूं कि फोर्स के हम ना दो क्लासिफिकेशन करते हैं अभी के लेवल में, ठीक है। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के फोर्सेस हमको देखने हैं। कौन कौन से हैं वो दो फोर्स, एक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नाम से पता चल जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स लगाने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक है, अगर मुझे इस बुक को धक्का मारना है तो मैं ऐसे बोलूँगा जा जा, ये जाएगी नहीं जाएगी, इसको मुझे टच करके धक्का मारना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे इसे खींचना है तो आ जा जल्दी आ, नहीं आएगी, इसको मुझे इसे पकड़ के खींचना पड़ेगा, इसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, बराबर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह पढ़ा है ना आपने, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जहाँ ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैग्नेट और आयरन, है ना, या आयरन को मैग्नेट ने दूर से ही खींच लिया, है ना,
उसको जाकर टच तो करना नहीं पड़ा कि चल ऐसे कॉलर पकड़ के थोड़ी खींच के लिया उसको, दूर से खींच लिया। तो ये क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए उसने उसको खींच लिया, फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, है ना। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा ऐसे दबाव से नीचे चला जाएगा, है ना, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच ले रहा है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, इसका आगे चैप्टर आने वाला डिटेल में, वहाँ पढ़ेंगे हम। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के कॉन्टैक्ट में आए बिना अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, है ना। तो वो क्या है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अभी फिलहाल इतना ही, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये तो एक्चुअली बुक में दिया भी नहीं है, पर मैंने सोचा थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ आपको, है ना, थोड़ा स्मार्ट बनो यार, एक्स्ट्रा ज्ञान रखोगे तो अच्छी बात है। तो ये बात हो गई हमारी फोर्स की, है ना। अच्छा, फोर्स करता क्या है, आपने देखा जो मैंने ऐसे पैर भी तोड़ा था थोड़ा सा, वो किक मारते हैं तो अपन ऑब्जेक्ट मोशन में आता है ना, बॉल रेस्ट पर था, रुका हुआ था, आपने मारी लात, उड़ के चला गया, है ना। फिर जैसे ये मारकर मेरे हाथ में है, अब ये रुका हुआ है, मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, मतलब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ही ये दूर जाएगा, है ना। फिर आयरन का पीस रखा हुआ था एक जगह पे, आप वहाँ पर मैग्नेट ले आए, तो मैग्नेट ने उसको खींचा, उस पर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की इतने सारे एग्जाम्पल्स में कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर थे, रुके हुए थे, आपने उनको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया, है ना, उनको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाया। तो क्या ये कहना सही होगा कि हर ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि वो रेस्ट पर रहे, और उसे मोशन में लाने के लिए आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या ये कहना सही होगा? सोचो सोचो सोचो, सोच लिया तो मैं बताऊं कि ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये गलत है। अब एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है कि भाई हर ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, देखो बुक रुकी हुई है, ये बोर्ड यहीं का यहीं रुका हुआ है, हमारा कैमरा वहीं का वहीं रुका हुआ है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है, अगर इसको धक्का बक्का मारा जाए तो कुछ हो सकता है, फोर्स लगाया जाए तो ये मोशन कर सकता है, अदरवाइज मोशन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे, समझो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्स लगा रहे हो और मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग बट नो मोशन अकर्स, ऐसा भी हो सकता है। अब बोलोगे ये क्या बात हो गई, फोर्स लगेगा तो मोशन तो हो गई, फोर्स लगेगा मोशन करना ही पड़ेगा, उसको नहीं करेगा तो कैसे नहीं करेगा, मारेंगे नहीं उसको गिरा के, पर ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती। जैसे कि देखो, अपन टग ऑफ वॉर देखा होगा ना अपन ने, टग ऑफ वॉर है ना, अगर दोनों टीमें, टग ऑफ वॉर जिसको नहीं पता बता दूँ, वो रस्सी वाला होता है ना, कुछ लोग इस तरफ कुछ लोग इस तरफ और खींच रहे होते हैं, है ना, जो टीम सामने वाले को खींच लेती है, ऐसे नीचे गिरा देती है, ऐसे धूल चटा देती है, वो टीम जीत गई, है ना। तो दोनों तरफ खींच रहे हैं, राइट। अब नॉर्मली क्या है कि अगर दोनों तरफ बैलेंस्ड हैं, दोनों तरफ मजबूत लोग हैं, सेम अमाउंट के मजबूत लोग हैं और एक ही अमाउंट के फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो कोई इधर उधर नहीं मूव करता, है ना। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं ना, अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं, देखो एक डिब्बा है, ब्लॉक है कोई भी, ठीक है, इसको आप इधर से खींचो और इधर से खींचो, ठीक है, सेम फोर्स से, ठीक है, दोनों तरफ धागा बांधो, दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचो, तो क्या ये डिब्बा मूव करेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, है ना। ये लकड़ी का ब्लॉक ले लो सपोज, यहीं का यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको एक तरफ फोर्स दिया तो क्या ये मूव करेगा, बिल्कुल करेगा, किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अगर आपने इसको इस तरफ फोर्स दिया, ये वाला नहीं दिया, तो ये इस तरफ मूव करेगा। और अगर आपने दोनों तरफ फोर्स दिया, दोनों तरफ फोर्स दिया, इसको नाम दे रहा हूँ मैं F1, फोर्स को F1, इस फोर्स को नाम दे रहा हूँ मैं F2, है ना। अगर F2 ज़्यादा हुआ F1 से, F2 ज़्यादा हुआ F1 से, F2 ग्रेटर देन F1, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। और अगर आपका F1 ज़्यादा हुआ F2 से, तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, है ना। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो, When two equal and opposite forces are applied on the block, इस ब्लॉक पे अगर दोनों फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं, यानी कि F1 और F2 दोनों सेम हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन होगा, है ना। उसका एक एग्जांपल ये हो गया। फिर मैंने क्या बताया,
कि अगर F2 ज़्यादा लगाया तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा और F1 ज़्यादा लगाया तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, है ना। अच्छा, ये तो दो फोर्स की बात हो गई। अगर और भी फोर्सेस लग रहे होते तो मान लो इस पर 10 फोर्स लग रहे हैं, तब क्या होता? चारों तरफ से फोर्स लगा दो, ये ऐसा फोर्स, ये ऐसा फोर्स, ऐसा फोर्स, ऐसा फोर्स, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं अपन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर हर तरफ से फोर्स लगाया जाए तो हम ना इन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था हमने, है ना, मोशन में। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिखो यहां पर, फोर्स इज अ वेक्टर। अच्छा, उसका यूनिट भी लिखूं तो लिखवा देता हूं, चलो, इट्स यूनिट। यूनिट कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन, साइंटिस्ट पता है, एप्पल, हाँ वही एन। तो जब आप इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगा रहे हो तो इन सबका ना एक रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाता है, वेक्टर का यूज होता है वहां पर। अभी आपको वो सब नहीं करना है, फिलहाल सिर्फ सिंपल समझ लो कि चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो है, क्या है? रिजल्टेंट जीरो है, तो ये फोर्सेस क्या कहलाते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। इसको अपन मिटाते हैं। इफ देयर इज बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इट विल नॉट मूव। मतलब ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पर था, ठीक है, आपने बहुत सारे फोर्सेस लगाए, इधर 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 हर तरफ से फोर्सेस लगाए आपने, ठीक है, सारे फोर्सेस मिलाकर नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स किसको कह रहा हूं मैं? इन सारे फोर्सेस का जो टोटल बनेगा उसे मैं कह रहा हूं एफ नेट, नेट फोर्स। अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है और ये ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट पर था, तो आप इस पे सारे फोर्सेस का जो टोटल जीरो लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आप फोर्स तो लगा ही रहे हो ना, आप तो हर तरफ से फोर्स लगा रहे हो, इतने सारे फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। हम इसे क्या कहेंगे? फोर्स इज बैलेंस्ड, या ऐसा बोलो बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग, बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग। कब? जब नेट फोर्स सबका मिलाकर फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम कहेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स जीरो है, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, क्लियर है। अच्छा, ये भी कौन सा फोर्स है? बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, हम अंदर के फोर्स की बात नहीं कर रहे, बाहर से लगने वाला फोर्स। ओके, तो ये बैलेंस फोर्सेस हमारे लग रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, इसलिए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर था तो वो मोशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन कर रहा था, अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन कर रहा था तब क्या होगा? तो ये पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद वाला जो मैं चेंज करके लिखूंगा वो लिखना है, तो पहले इसको फटाक से लिख लो, ठीक है। मैं इतना वेट नहीं करूंगा, आपको पॉज करना है, ठीक है, और लिखना है। उसके बाद जो अगला लिख रहा हूँ वो लिखना है आपको, ठीक है। तो उसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो इधर इज बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो देयर विल बी नो चेंज इन, अब जगह ही नहीं है, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था पहले से ही और आपने बाद में उस पर फोर्सेस लगाना चालू किए, आपने जो फोर्सेस लगाए हैं वो बैलेंस फोर्सेस हैं, तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन कर रहा था, है ना, अब आपने उस पर फोर्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए, है ना, जितने भी आपने फोर्सेस लगाए सब मिलाकर बैलेंस्ड हो गए, मतलब नेट फोर्स आपका जीरो हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट जिस तरह से मोशन कर रहा था वो वैसे का वैसा ही मोशन करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है, कोई रफ्ती पर उसको फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त मौला अपनी मस्ती से जा रहा है, अपने चारों तरफ से फोर्स लगाना चालू कर दिया, आप सारे फोर्सेस जो लगा रहे हो बैलेंस्ड है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऐसे चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, ठीक है,
अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये होगा, नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज, चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो सकता है, स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड घट सकती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है समझा रहा है, ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब उसी के आगे का पॉइंट है ये, ठीक है, उसके आगे का पॉइंट ये है, उसके बाद का ऊपर लिखूंगा। तो व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लग रहा है, ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, उस पर आपने जब बैलेंस्ड फोर्स लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, फॉलोइंग चेंजेस कैन अकर, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पहला स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो, स्पीड कैन चेंज, चेंज मतलब क्या, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, क्लियर है। डायरेक्शन कैन चेंज, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले से मोशन कर रहा है मान लो, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, आपने फोर्सेस लगाना चालू किया इसके ऊपर, आपका जो टोटल फोर्स बन रहा है वो तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का जो ओवरऑल वैल्यू है ना कोई एक किसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सबका मिलाकर जो एक फाइनल आंसर बनेगा ना अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस होता तो सबका मिलाकर क्या हो जाता, जीरो हो जाता, लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं तो सबका मिलाकर जीरो नहीं हो रहा है, इसका एक वैल्यू मिलेगा और वो जिस डायरेक्शन में मिलेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट जो इस तरफ मूव कर रहा था ना वो इस तरफ ना मूव करके अब इस तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। और अगर वो फोर्स इस तरफ हो गया, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स जो अनबैलेंस्ड है वो इस तरफ लग रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जा खा रहा था इस तरफ जा रहा था, नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। और यही अगर, अच्छा इसमें लिख लो, ये एफ नेट आपका इस तरफ है और ये मोशन का डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा बनाता हूँ मैं, इस तरफ मोशन कर रहा है वो, आपका नेट फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स जो है वो भी इस तरफ लग रहा है, तो इस केस में क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मिटा दूँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट फिर से मोशन इसी तरफ कर रहा है और आपका जो नेट फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ये मोशन का डायरेक्शन है, यहां क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या क्या करवा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसको मोशन में ला सकता है, अनबैलेंस लगेगा तो, बैलेंस लगेगा तो वो मोशन में नहीं आएगा, क्लियर है, ये हमने देखा। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ, कैसा, पहले से मोशन में है आप उसके ऊपर अगर बैलेंस फोर्स लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगा दो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके ऊपर तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, स्पीड कैसे चेंज होगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में बन रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अच्छा ये तो मोशन की बात हो गई, इसके अलावा फोर्स और क्या क्या चीजें करता है, फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। अब यार क्या है मतलब, शेप की स्पेलिंग नहीं आती, तुम टीचर बना है, टीचर बनाया किसने तुमको, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा तो ये वाला इसमें मैं जो, नहीं यार ये नहीं होगा, ये बहुत मेहनत लगेगी, अरे यार बताया तो था ये पेपर वाला है, अभी इसको देख के मुझे बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है, ये इसका ऐसा शेप है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा के ऐसे इसको मोड़ दिया, इसका शेप चेंज कर दिया, मैंने इसका साइज भी चेंज कर दिया है ना, बड़ा था ऐसे इसे क्रम्पल करके छोटा साइज कर दिया मैंने इसका, तो फोर्स लगा के, अच्छा सॉरी इधर डस्टबिन, इधर तो डस्ट, डस्टबिन नहीं,
शेप की बात कर रहे थे हम। तो अगर हम फोर्स लगाएं तो हम फोर्स से ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं अगर रेस्ट पर है तो, पर कैसे, अनबैलेंस फोर्स देके, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब तक फोर्सेस के थ्रू क्या क्या हम कर सकते हैं, सारे लिस्ट आउट कर लिए होंगे आपने मेरे ख्याल से, नहीं किए हैं तो बहुत पाप लगेगा, गंगा ना होगे तो भी नहीं धुलेगा, ठीक है। तो नोट करके रखना सब कुछ, फोर्सेस के टाइप भी मैंने लिखवा दिया आपको थोड़े बहुत, ओके। तो एक चीज यहां पर एक क्लियर हो जाती है, क्या, कि एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, विल कम टू रेस्ट ओनली इफ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्स ऑन इट। और दूसरी बात यह क्लियर हो जाती है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल ओनली मूव व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। समझे क्या, नहीं समझे? देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है तो अगर उसे आपको रेस्ट में लाना है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, बैलेंस्ड फोर्स से काम नहीं चलेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसे आपको अगर मोशन में लाना है तो भी आपको उसको अनबैलेंस्ड फोर्स ही देना पड़ेगा, बैलेंस्ड फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन कर रहा था तो वो मोशन ही करता रहेगा, तब बुरा फर्क नहीं पड़ता उसको बैलेंस फोर्स से, ठीक है। अगर उसको चेंज करना है आपको, उसके स्टेट को, मोशन के स्टेट को चेंज करना है, तो आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ना मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया, जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी, कि मान लो जैसे कि वो जो मैंने ऐसे लात मारा था, नहीं फिर से नहीं मारूंगा, ठीक है, समझ लो कि जैसे एक बॉल रखा हुआ, उस बॉल को आपने किक मारा तो बॉल कुछ दूर जाकर फिर रुक जाता है ना, रुक जाता है ना, क्यों रुक जाता है? आपने तो क्या बोला, आपने एक बार फोर्स दिया तो मोशन में आ गया, अब उसको रुकने के लिए दूसरा फोर्स चाहिए ना, क्या क्या लिखा मैंने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कम टू रेस्ट ओनली इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना, अनबैलेंस फोर्स लग गया तो ही रुकेगा। आपने एक बार किक मार के छोड़ दिया, अब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है जिसने उसको रोक दिया, उसको तो मोशन करते रहना चाहिए। अच्छा, ये बात तो अलग हो गई, अगर आप चाहो कि वो लगातार मोशन करे, अगर वो चाहो कि लगातार मोशन करे, जैसे कि फुटबॉलर्स करते हैं, फुटबॉलर्स क्या करते हैं, ऐसे किक मारते लेके जाते हैं, किक मारते लेके जाते हैं, देखा होगा आपने अगर कभी फुटबॉल का मैच देखा होगा, तो वो इधर से उधर कहीं पर रुकते नहीं है ना, फटाक से इधर से लात मारा, इधर से लात मारा, मारते 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 गोल, इतना आसान नहीं होता लेकिन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या, कंटिन्यूसली अगर बॉल को रोलिंग करते रहना है, लगातार मोशन में रखना है, तो आपको बार बार उसको जाके फोर्स देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये मार्कर है ना, मैं इसको ऐसे नहीं, इस पर रख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फोर्स देता हूँ, मोशन करके रुक जाता है, फिर थोड़ा सा फोर्स दूंगा तो रुक जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यूसली फोर्स देता रहूँ तो ये कंटिन्यूसली मोशन करेगा, है ना। तो उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंटिन्यूअसली मूव करवाते रहना है तो मुझे इसे कंटिन्यूअसली फोर्स देते रहना पड़ेगा, है ना, ऐसा लग रहा है ना आपको, नहीं लग रहा है क्या? टू कीप एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूविंग वी नीड टू कीप प्रोवाइडिंग ए अनबैलेंस्ड फोर्स कंटिन्यूसली, है ना, नहीं देखा ना अभी एग्जाम्पल, इसको मोशन में रखना लगातार तो फोर्स देते रहना पड़ेगा, आपने फोर्स देना बंद कर दिया तो रुक जाएगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब बोलोगे ये क्या बात हो गई, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने नॉर्मली देखा है, अभी फुटबॉल का एग्जाम्पल खुद दे रहे थे, खुद ही मार्कर का एग्जाम्पल दे रहे थे, और अभी खुद ही अपना स्टेटमेंट लिख के गलत कर देते हो, ये क्या बात हो गई। तो बच्चों बात देखो ऐसी है, ये चीज़ ना एरिस्टोटल ने सोची थी, एरिस्टोटल ने पूरी दुनिया को यही समझाया,
उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाया, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप भी देख रहे हो अपने आसपास, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना, घर पे भी कर सकते हैं अपन। तो ये चीज़ें लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एरिस्टोटल ने समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूव करवाते रहना पड़े, अगर आप चाहते हो किसे कंटिन्यूस मोशन में रखो, तो आपको उसको कंटिन्यूसली फोर्स देते रहना पड़ेगा, वरना अगर आपने फोर्स देना बंद कर दिया तो ऑब्जेक्ट आगे जाके रुक जाएगा, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, ठीक है, हाँ गैलीलियो नहीं, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, टीली चिढ़ाना नहीं, बहुत मानेंगे। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन में रखने के लिए आपको उसे कंटिन्यूस अनबैलेंस फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह आ जाती है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वो जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉल को अगर कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो लगातार उसको फोर्स देते रहना पड़ेगा, तो क्यों देना पड़ रहा है ना, क्यों देना पड़ रहा है पता है, क्योंकि एक दूसरा फोर्स एक्शन में आता है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, जिसे हम कहते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। होता क्या है देखो, आप जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बॉल को किक किया, बॉल जमीन पर रोल करता हुआ जा रहा है, थोड़े दूर जाके बॉल रुक जाता है ना, क्यों रुक जाता है, क्योंकि बॉल और जमीन के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर ये रफ सरफेस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं मान लो घास फूस वाला इलाका है, गार्डन में है या फिर जो फुटबॉल का ग्राउंड है वहां भी घास वास होती है, ठीक है, तो वहां पे ये घास फूस वाली जगह है तो वहां ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा इसको, तो ये वहां पर थोड़े दूर जाकर रुक जाएगा। सेम बॉल, ठीक है, सेम बॉल को आप अगर एक ग्लास के सरफेस पर बिछा दो, ठीक है, पूरा ग्लास है, ठीक है, उस पर अगर आप इसको किक मारो सेम स्पीड से, थोड़ा सेम इंटेंसिटी से, स्पीड नहीं सेम इंटेंसिटी से, तो ये ज्यादा दूर तक जाके रुकेगा, ठीक है, जितना घास पे रुका। अच्छा चलो ये सब नहीं पता ना, इतना तो ग्लास व्लास कहाँ लाने जाएंगे, छोड़ो ना, अपन चलते सिंपल से एग्जांपल पर, कैरम बोर्ड पर, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है कैरम का, फ्लैट सरफेस है, और ये हमारा डाइस है, आपने जब स्ट्राइकर से मारा तो देखा होगा आपने, जब पाउडर नहीं होता है ना तो आपकी गोटियाँ दूर दूर तक नहीं जाती है ना, फिर जब आप उसमें वो डांसिंग पाउडर डाल देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा मारा धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कई बार तो इतना ज़्यादा पाउडर डाल देने से क्या होता है कि वो जो आप सेटअप करते हो ना गोटिया का, वो भी नहीं लगता, वो भी बिखर जाता है ऐसे ही, फिर साफ करना पड़ता है, यार कितना पाउडर डाल दिया, है ना, होता है ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि वो वुड के सरफेस से फ्रिक्शन मिल रहा था, तो वो होल्ड करके रखा था गोटियों को सरफेस ने, जब आपने पाउडर वगैरह डाल दिया ना तो फ्रिक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से अब आपका ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करने लगा, है ना, बहुत कम फोर्स में भी दूर दूर तक वो जाने लग गया, है ना। तो वही चीज़ है कि जब ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली आप, जब आपने एक बार ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दिया, एक बार फोर्स देके छोड़ दिया, तो हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट तो आपके फोर्स के इफेक्ट में चल रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, आपने जो उसको फोर्स के थ्रू मोशन दिया था उस मोशन को वो अपोज कर रहा है, ठीक है। आपका फोर्स तो लगना आप खत्म हो गया ना, आपने एक बार फोर्स देके खत्म कर दिया, अब उसकी इनर्शिया की वजह से वो मूव कर रहा है। इनर्शिया क्या है बातें समझेंगे, कि आपने उसको मोशन में ला दिया, वो मूव करता जा रहा था, लेकिन अब उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा था, वो उसको अपोज कर रहा है मूव करने से, है ना। तो वो धीरे 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 क्या होगा कि उसका मोशन कम हो जाएगा, फिर वो जाके रुक जाएगा, क्लियर है। अच्छा तो ये किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हुआ। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, मान लो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, आपने एक बार उसको धक्का मार के मोशन में ला दिया, फिर वो रुकेगा ही नहीं, वो जाता ही रहेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, वही पाउडर वाला एग्जांपल समझ लो, आपने कम पाउडर डाला, एक बार स्ट्राइकर मारा तो वो ज़्यादा दूर गया, पहले सरफेस स्मूथ एकदम, मतलब पाउडर नहीं डाला था आपने, खाली वुड का सरफेस था, ठीक है, खाली आपका बोर्ड का सरफेस है, उस पर आपने धीरे से मारा, आपका स्ट्राइकर थोड़े दूर जाकर रुक गया, आपने थोड़ा पाउडर डाला, उतना ही इंटेंसिटी से फिर से हिट किया, स्ट्राइकर ज़्यादा दूर गया, आपने ज़्यादा पाउडर डाला, फिर से उतनी ही इंटेंसिटी से मारा, स्ट्राइकर और ज़्यादा दूर जाएगा, बराबर है। तो ऐसा समझ लो कि आप जैसे जैसे पाउडर डाल रहे हो फ्रिक्शन कम होता जा रहा है ना, आपने बहुत सारा पाउडर डाल दिया और कम हो गया फ्रिक्शन, तो और दूर तक जाएगा। मान लो कि आपने ऐसा पाउडर भर दिया इतना सारा कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन जीरो हो गया। आपके पाउडर डालने से फ्रिक्शन जीरो होता नहीं है, पहली बात, फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं हो पाता है, हम 100% फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, पर हम कम कर सकते, राइट। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो, थोड़े टाइम के लिए मान लो ना यार, मानने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूरा फ्रिक्शन खत्म हो गया वहां से उस बोर्ड पे से, अब आप मारो तो आपका बोर्ड चाहे कितना भी लंबा हो, कितने भी दूर तक फैला हुआ हो, आपका स्ट्राइकर जाता रहेगा, रोकने के लिए से कूद के पकड़ना पड़ेगा आपको, आप भी कहाँ फिसल जाओगे खुद भी, है ना। तो फ्रिक्शन
उसको रोक रहा था। तो गैलीलियो ने यह समझाया, गैलीलियो ने क्या समझाया कि भाई देखो जो एरिस्टोटल ने कहा ना कि कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए फोर्स देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको तो फोर्स इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता ना तो आपको इसको कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूस फोर्स देने की जरूरत नहीं थी। इसका एक एग्जांपल समझाया एरिस्टोटल, सॉरी गैलीलियो ने, कैसे समझाया उन्होंने, देखो उन्होंने इंक्लाइंस लिए, ठीक है, इंक्लाइंस लिए, इंक्लाइन के थ्रू उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहां से एक बॉल रोल किया उन्होंने, ठीक है, जो बॉल हवा में नहीं थी, इस पर टच थी ऐसे, तो ये बॉल रोल की यहां पर आए और यहां से फिर इस तरफ चढ़ी, ठीक है, यहां से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, खाली तो रोल करते बॉल यहां, यहां से फिर इस तरफ चढ़ी, तो जितने हाइट से ड्रॉप किया था इसको नीचे रोल करने के लिए, इस तरफ भी वो उतने ही हाइट पर गई, ठीक है। फिर गैलीलियो ने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और स्लैंट कर देते हैं अपन, ठीक है, ये रखा, इस बार इसको ज़्यादा स्लोप में दिया, तो देखा क्या हुआ कि यहाँ से बॉल ड्रॉप किया तो फिर बॉल नीचे आई, फिर वो यहाँ गई, ठीक है। अब इस दोनों में फ़र्क क्या है, देखो यहाँ से जब बॉल ड्रॉप किया तो बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस, राइट। अब आपने जब इस स्लोप को ऐसा किया ना टेढ़ा, ठीक है, समझो इसी को मैं समझाऊं आपको, ये मेरी बुक ऐसी है, राइट, अगर मैं इसको ऐसे स्लोप में डाल दूं, इसको और स्लोप कर दूं, ऐसे ज़्यादा झुका दूं इस तरफ, अब बताओ क्या होगा, अब मैं इतनी हाइट तक पहुंच पाऊंगा क्या? मेरी हाइट तो यहाँ पर आ गई, इसके बराबर यहाँ आ गई, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जब ये यहाँ पर था ऐसे था तो मेरी बॉल यहाँ से आई इस हाइट तक गई, ये दोनों सेम हाइट, राइट, यानी मेरा ये जो बुक का ये वाला टॉप सरफेस है और ये वाला जहाँ से मैंने बॉल ड्रॉप किया है दोनों सेम हाइट पर है ना। अब मैंने इसको ज़्यादा स्लैंट किया ऐसे, तो अब मेरा जो बुक जहाँ ख़त्म हो रही है वो तो यहाँ पर आ रहा है, इस हाइट पर आ रहा है ना, मैंने बॉल तो इस हाइट से ड्रॉप की है ना, तो अगर फिर से मेरी बॉल को उसी हाइट तक पहुँचना है, ठीक है, तो मेरा ये स्लोप क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, यानी ये मेरा सर्फेस लंबा करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो, क्लियर है, सेम हाइट तक पहुँचने के लिए सर्फेस लंबा होना चाहिए, पता चल रहा है, पक्का, फिर से समझाऊँ, फिर से देखो ये बुक ऐसी है, ये बुक का जो सर्फेस जहाँ ख़त्म होता है टॉप और ये मेरा बॉल जहाँ से ड्रॉप हुआ दोनों सेम लेवल पर है, ठीक है, क्लियर है, यानी यहाँ से मैंने बॉल ड्रॉप किया ये सामने इतने हाइट तक चढ़ गया, अच्छा अब मैंने इसको स्लोप में डाल दिया ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा स्लैंट कर दिया मैंने, तो अब मेरी जो बुक है सेम वही बुक है यहाँ पर इतनी हाइट दे रही थी, ज़्यादा स्लोप में डालने से हाइट कम हो गई इसकी, अब इसकी हाइट यहाँ तक आ गई है ना, तो अगर मुझे इस हाइट तक पहुँचना है मतलब ये हाइट के सामने तो ये आएगा ना यहाँ पर, ये हिस्सा आएगा, तो मेरी बुक को उतना लंबा करना पड़ेगा मुझे, क्या कहना समझ आ रहा है, तो मतलब ये स्लोप ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा उस हाइट तक पहुँचने के लिए, अच्छा अगर मैंने और स्लैंट कर दिया तो मुझे उसी हाइट तक पहुँचने के लिए और लंबा स्लोप लेना पड़ेगा, और झुका दिया मैंने तो उसी हाइट तक पहुँचने के लिए मुझे और लंबा हाइट सरफेस लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आप जितना स्लैंट करते जा रहे हो, ठीक है, जितना नीचे झुकाते जा रहे हो आप स्लोप को, ठीक है, आपको सरफेस उतनी लंबी करनी पड़ रही है इस सेम हाइट तक पहुँचने के लिए, इसी हाइट तक पहुँचने के लिए, है ना, इस हाइट तक, इस केस में आप इतने ही लेंथ पर पहुँच गए थे, है ना, इस वाले केस में आपको ज़्यादा लेंथ यूज़ करनी पड़ रही है उस हाइट तक पहुँचने के लिए, इस वाले में और ज़्यादा लेंथ यूज़ करनी पड़ रही है, इस वाले में और ज़्यादा लेंथ यूज़ करनी पड़ रही है, पर हाइट देखो हमारा सेम ही है ना, तो उस सेम हाइट तक पहुंचने के लिए रास्ता लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, देख रहे हो ना, सेम हाइट जाना है इस ऑब्जेक्ट को, इसकी मतलब नेचुरल टेंडेंसी जिस हाइट से गिरा उसी हाइट तक ये जाएगा, ठीक है, अब उसी हाइट तक इसको पहुंचना है, तुम चाहे रास्ता जितना लंबा कर दो, है ना, तो आप जितना ज़्यादा स्लोप दे रहे हो आप रास्ता उतना लंबा कर रहे हो, और ये बॉल उस हाइट तक पहुंचने के लिए उतना ही लंबा रास्ता ट्रैवल कर रहा है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपने इसको सरफेस को एकदम फ्लैट कर दिया है ना, इस सरफेस को आपने एकदम ही फ्लैट ले लिया, ठीक है, तो उसी हाइट तक पहुंचने के लिए ये कैसे जाएगा, इसको बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर और लंबा, यहाँ पर और लंबा, यहाँ पर और लंबा, और एकदम फ्लैट हो गया तो बहुत 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 लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा उस हाइट तक पहुंचने के लिए, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि वो इन्फिनिटी पर जाकर उस हाइट पर पहुंचेगा, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, सिंपल सा एजम्पशन करना है आपको, है ना, आप रास्ता लंबा कर रहे हो, है ना, स्लोप बढ़ाने के साथ रास्ता लंबा कर रहे हो, क्लियर है, अच्छा रास्ता लंबा कर रहे हो लेकिन ये जा तो वहाँ तक रहा ही है ना, इसको जाना तो उसी हाइट पर है क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी खर्चे करके वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, बराबर है, तो अब इसको उस हाइट तक जाना है, इसको इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है कितना रास्ता आप देते हो, इसको हाइट से मतलब है, ये उस हाइट तक जाएगा, ठीक है, अब वो हाइट के लिए उसको जितना रास्ता ट्रैवल करना पड़े, आप जब स्लोप बढ़ाते जा रहे हो तो आप उसका रास्ता बढ़ाते जा रहे हो लेकिन वो हर बार उस हाइट तक जाने के लिए वो पूरा रास्ता ट्रैवल करेगा, तो जब आपने एकदम ही फ्लैट कर दिया, ठीक है, तो आप मानोगे एकदम ही फ्लैट कर दिया आपने, ठीक है, आप यहाँ पर और दूर हो गया है ना स्लैंट,
और स्लैंट किया तो और दूर पर हाइट मिलेगा, और झुकाया तो और दूर पर हाइट मिलेगा, है ना। तो ऐसे दूर दूर पर हाइट मिलता जाएगा। तो आप जैसे एकदम फ्लैट कर दोगे तो आप मान लोगे कि वही हाइट कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा, एक बार फ्लैट सरफेस पर गया तो वो कहाँ जाके रुकेगा, सीधा वो हाइट उसको कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। तो ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, मतलब जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, क्लियर है। अच्छा, ये पुलिस जो है वो फ्रिक्शनलेस पुलिस है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फ्रिक्शनलेस पुलिस मतलब इसमें पुलिस बोल रहा हूँ सॉरी, ये हमारे जो स्लोप्स हैं फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है, इनमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अच्छा, वो तो अलग बात है। तो फिलहाल जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये इन्फिनिटी तक जाके मानेगा, उसके पहले नहीं रुकने वाला है ना। तो इन्फिनिटी तो मतलब मेजर ही नहीं होता है, तो मतलब ऐसा बोल सकते ना कि चलता ही रहेगा, है ना। यहाँ से गिरा आपने, फ्लैट सरफेस बढ़ा दिया, चलता ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपने सिर्फ इसको एक बार यहाँ से गिरा दिया, इसको आपने एक मोशन ला दिया, एक बार मोशन में दे दिया। अब आप इसको क्या लगातार यहाँ फोर्स दे रहे हो, यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपने फोर्स दिया था क्या, नहीं दिया था, है ना। तो इस केस में भी आप फोर्स दोगे क्या, इसको नहीं दोगे। आपने इसको एक बार मोशन में ला दिया, अब आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ऐसा कैसे हो गया? तो एरिस्टोटल ने जो बोला था वो तो गलत हो गया। एरिस्टोटल ने तो बोला था कि अगर इसको कंटिन्यूस मोशन में रखना है तो कंटिन्यूस फोर्स देते रहना पड़ेगा। इस केस में आपने एक बार उसको मोशन में ला दिया, आप कहाँ उसको कंटिन्यूस फोर्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, फिर भी ये जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है इन्फिनिटी तक। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूस फोर्स देना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, ये किसकी वजह से था, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, टू कीप एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस A continuous unbalanced force. Continuous unbalanced force देने की जरूरत नहीं है आपको अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, तो गैलीलियो के हिसाब से। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, जो डे टू लाइफ में हम देख रहे हैं कि आपने फुटबॉल को लात मारा, एक बार मारा थोड़ी देर जाके रुक गया, कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए उसको लगातार लात मारते रहना पड़ेगा, तो ये क्यों करना पड़ रहा है? गैलीलियो के हिसाब से तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो गैलीलियो के हिसाब से देखा जाए तो अलग बात निकल रही है, एरिस्टोटल की बात अलग लग रही है, और हमको जो लाइफ में प्रैक्टिकली देखने को चीज़ें मिलती हैं हमको एरिस्टोटल की बात सही लग रही है, गैलीलियो की बात गलत लग रही है, गैलीलियो की बात लेकिन इस वाले केस में सही लग रही है ना। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है ना। तो वो कन्फ्यूज़न क्या है उसको क्लियर करते हैं अपन। देखा जाए तो गैलीलियो की बात, गैलीलियो ने एरिस्टोटल की बात को ना गलत नहीं बोला। गैलीलियो ने क्या कहा कि एरिस्टोटल ने जो बात बोली है ना उसको बोलने का तरीका अलग है, उसको अलग तरीके से बोला जाएगा तो वो सही हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कैसे सही हो जाएगी? ओहो हो, कैसे कैसे कैसे? देखो, एरिस्टोटल का कहना था कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए आपको कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूस फोर्स देना जरूरी नहीं है। तो दोनों में सही कौन है? गैलीलियो ने दोनों को सही किया। कैसे सही किया? कि गैलीलियो ने यह कहा कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूस फोर्स क्यों देना पड़ता है, पता है? वी नीड टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फोर्स टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, समझे? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि बार बार आपको फोर्स देना पड़ रहा है, वो क्यों देना पड़ रहा है पता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। आपने एक बार ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया, ठीक है, आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, ऑब्जेक्ट तो मोशन में आ गया तो उसको मोशन करना चाहिए, है ना, लेकिन वो मोशन करना रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि उसके अपोजिट में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स उस मोशन को रोकता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना हमने कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा तो ही वो रुकेगा, है ना।
तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन कर रहा था, आपने एक बार मोशन में ला दिया तो वो मोशन क्यों रुक गया उसका, क्योंकि उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा था। वो अनबैलेंस फोर्स कौन सा है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आपने एक बार ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दिया तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता। ठीक है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, अगर फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, मान लो कि आपने किसी स्लोप पे रखा है, स्लोप फ्रिक्शनलेस है एकदम, उसमें कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट देन एन ऑब्जेक्ट वंस ब्रॉट इन मोशन विल कंटिन्यूअसली कीप मूविंग, वो लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो। तो वो रुकता क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर देता है। ठीक है, तो हमको जो लगातार फोर्स लगाना पड़ता है ना, वो क्यों लगाना पड़ता है पता है, ताकि हम फ्रिक्शन को कैंसिल आउट कर दें, और हम बस फ्रिक्शन को कैंसिल करने जितना ही फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हमको अगर ऑब्जेक्ट को स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करना है, आपने एक बार उसको मोशन में लाया, मोशन में लाने के लिए आपको उसको, आपने उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी, सपोज आपने स्टार्टिंग में एक अनबैलेंस फोर्स दिया क्योंकि वो रेस्ट पर था, रेस्ट से मोशन में लाया आपने, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाया आपने, आपने एक फोर्स दिया जिसकी वजह से वो मोशन में आया, और मान लो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसको कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो आपको लगातार जो फोर्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना, वो उतना फोर्स नहीं देना पड़ता है जितने की वजह से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट हो ना। अब अगर लगातार उसको, एक बार जो आपने स्टार्टिंग में फोर्स दिया ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट करने के लिए, वो फोर्स तो आपने अलग दिया, बराबर है, अब आप उसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए जो फोर्स दोगे ना, वो सिर्फ उतना ही दोगे जितना वहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आप खाली फ्रिक्शन को कैंसिल कर दो, बस फ्रिक्शन को कैंसिल करो, आपका ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार मूव करता रहेगा। हाँ, बढ़ाना घटाना है तो आपको अलग से फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, अलग वैल्यू का फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उसको कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से मूव करना है तो जितना वहां फ्रिक्शन लग रहा है बस वो फ्रिक्शन को कम कर दो। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आपका दोस्त है, वो दौड़ रहा है रेस, ठीक है, एक रास्ते पे दौड़ रहा है, ठीक है, अब बस उसके रास्ते का कांटा हटाते जा रहे हो, रास्ता साफ करते जा रहे हो, कोई ऑब्स्टेकल है उसको हटा दे रहे हो, हट जा मेरा दोस्त दौड़ रहा है, तो आपको खाली ऑब्स्टेकल हटाना है, समझे। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपको कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, ठीक है, भी लिख लेते हैं अपन, टू कीप एन ऑब्जेक्ट, अच्छा पूरा डिटेल में लिखते हैं अपन, यही नहीं पूरा डिटेल में लिखते हैं, टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट, आज ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके जाना। देखो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से भी तुम पूछोगे ना, कई बच्चे तुमको इसमें कंफ्यूज मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आज ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वी नीड टू प्रोवाइड एन अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, एक अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा, रेस्ट पर था मोशन लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, वंस ब्रॉट इन मोशन, एक बार वो मोशन में आ गया, एक बार मोशन लाने के बाद, नाउ टू कीप इट मूविंग वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स सो दैट इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, जो बोलो, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन करवाना है हमको, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझते हो ना क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ना, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब रेगुलरली उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, एक बार ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, रेस्ट पर था अगर, ठीक है, अगर रेस्ट पर था तो उसको मोशन में लाने के लिए एक बार आपको अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा, वंस इट इज इन मोशन, एक बार वो मोशन पा गया उसने
एक बार उसको मोशन मिल गया है, अब आपको क्या करना है, बस अब बस फ्रिक्शनल फोर्स जितना ही फोर्स दो, जितना वहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है रोड से उतना फ्रिक्शनल फोर्स देते रहो, फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल आउट करते रहो, मतलब नेट फोर्स जीरो करते रहो, नेट फोर्स जीरो करते रहो, आपका ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। आपको ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स नहीं देना है, ठीक है, आपको किसके लिए फोर्स देना है, फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। आप दोस्त की मदद कर रहे हो, दोस्त खुद दौड़ रहा है, समझ रहे, आपको रास्ता साफ करना है उसका, ठीक है, तो आप फ्रिक्शन को कैंसिल कर रहे हो, मतलब आप दोस्त का रास्ता साफ कर रहे हो, बस आप दोस्त को नहीं दौड़ा रहे हो, समझ में आया, दोस्त खुद दौड़ रहा है। तो कहने का मतलब वही है, समझो यहां पर कि आप क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स हो और जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसल आउट कर रहे हो, मतलब ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर रहे हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो, नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी इफेक्ट खत्म हो गया, है ना। और आपने देखा था ना, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा उसके ऊपर। तो आप ऑब्स्टेकल हटा रहे हो, फ्रिक्शनल कैंसिल कर रहे हो, आपका दोस्त वो है ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा था, वो एक बार मोशन में आ गया, वो मोशन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। हाँ, उसको रोकना है, रोकना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, ज़्यादा हीरो बन रहा है दोस्त, ठीक है, आप ऑब्स्टेकल हटाना बंद कर दो, जा टकरा के गिर, सर फूटेगा तेरा, है ना। तो भाई देखेगा आगे ऑब्स्टेकल आ गया, बड़ा ऑब्स्टेकल, खुद ही रुक जाएगा, नहीं भाई अब नहीं जा सकते, समझे। तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में था, है ना, आप उसको रोकना चाहते थे, आप क्या करोगे, आप फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल कर रहे थे इसीलिए तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन कर पा रहा था, आप उसका रास्ता साफ कर रहे थे, आपने रास्ता साफ करना बंद कर दिया, मतलब आपने फ्रिक्शन को अपोज करना बंद कर दिया, आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है, बाहर से आप फोर्स दे रहे थे ना फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए, वो आपने देना बंद कर दिया, बस फ्रिक्शन बढ़ गया, अब फ्रिक्शन कैंसिल नहीं हो रहा है, आपने कैंसिल करना बंद कर दिया, फ्रिक्शन कैंसिल नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन अपोज करने लग गया फिर से उसको, है ना। तो अब वो अपने आप थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा, उसको वीक करता जाएगा, मोशन खत्म, क्लियर है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जो एरिस्टोटल ने कहा था, उसने ये कहा कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए आपको फोर्स देते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन उनकी बात जो थी सही तो थी लेकिन पूरी तरह सही नहीं थी, ठीक है। एक्चुअली में आप फोर्स जो दे रहे हो कंटिन्यूअसली वो किस लिए दे रहे हो, आप फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है। बहुत से बच्चों को लग रहा था बात तो एक ही है, दोनों सेम ही तो है, आप जो फोर्स दे रहे हो एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए, आप ऐसा ही कह दो ना कि वही फोर्स उसका मोशन करवा रहा है, ये भी तो आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आप जो फोर्स दे रहे थे वो फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए दे रहे थे, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो आप जो बाहर से फोर्स दे रहे थे क्या वो आपको देना पड़ता, नहीं, आपने एक बार उसको मोशन में ला दिया बस भूल जाओ, जाएगा अपने आप, वो एक बार मार दिया बॉल को किक, वो रोल करते करते जाएगा, नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, ठीक है। फ्रिक्शन था इसीलिए तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगातार देना पड़ रहा है आपको, समझ में आया। और जो आप लगातार फोर्स दे रहे हो किस लिए दे रहे हो, फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए, मोशन करवाने के लिए नहीं, क्लियर है, पक्का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है हमको, तो उसको हमको जो लगातार बाहर से फोर्स देना पड़ता है वो हम कहने के लिए तो नॉर्मली कह देते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए देना पड़ रहा है, लेकिन हम उसके लिए नहीं, हम सिर्फ फ्रिक्शन कैंसिल करने के लिए दे रहे थे, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे कि नेट फोर्स जो है वो जीरो रहे और हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता रहे, क्लियर है, पक्का छच्ची। तो कुल मिलाकर जो झोलझाल था, गैलीलियो ने यह समझाया कि आपको जो कंटिन्यूस फोर्स देना है वो फ्रिक्शन है इसलिए देना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा, क्लियर है। तो फाइनल एक समरी लिख देते हैं अपन, तो टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। ये क्या लिख दिया आप अपने, यार कंफ्यूज कर रहे हो यार, एक तो समझ में आ जाता है उसके बाद कुछ नया लिख के कंफ्यूज कर देते हो, नया लिख के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हो पता है, आप जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, ठीक है, हमारा फोर्स, हमारा फोर्स प्लस एफ फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा था, हमारा फोर्स उस तरफ लग रहा था, दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो गए, तो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगा। लेकिन टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग,
ठीक है, इसके पहले क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है फॉर दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से यूनिफॉर्म मोशन में था, अब आप जो फोर्स लगा रहे हो नेट फोर्स वो जीरो, मतलब आपने एक बार ऑब्जेक्ट को पहले ही मोशन में लाने के लिए अलग से फोर्स दिया था, ठीक है, क्यों दिया था, अगर रेस्ट पर था तो वो थोड़ी ना मोशन करने लग जाएगा, है ना, रेस्ट पर था तो उसको मोशन में लाने के लिए, अगर रेस्ट पर है और उस केस में आपका टोटल फोर्स जीरो बन रहा है जैसा ये लिखा हुआ है, रेस्ट पर है फ्रिक्शनल फोर्स और आपका लगने वाला फोर्स दोनों मिलाकर जीरो है, तो वो रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, वो थोड़ी मूव करने वाला है, समझ में आया, देखा ना आपने एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से दबाओ तो क्या मूव करेगा, नहीं करेगा, है ना, तो उस केस में आपका नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, कंडीशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में, यानी कि आप एक पहले अलग फोर्स लगाओगे जिसके से आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, है ना, तो एक बार वो मोशन में आ गया उसके बाद की ये बात है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि फॉर दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, पहले से ही ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया क्या लिखा मैंने, पहले से ऑब्जेक्ट मोशन होना चाहिए तभी हम ये केस कंसीडर करेंगे, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब आप ये दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, क्लियर है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, तो ये गैलीलियो ने ना एक बहुत बड़ा पिक्चर समझा दिया हमको, गैलीलियो ने क्या समझा दिया कि ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, आप उसके ऊपर लगाने वाला नेट फोर्स लगा रहे हो जीरो, तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं लेगा, एक्सपीरियंस भी है, नॉर्मल भी समझ में आता है, और अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में आ गया है, आपने उसको मोशन में ला दिया है, मोशन कर रहा है वो, अब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है जीरो, तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, ठीक है, उसको मूव करने के लिए आपको लगातार फोर्स नहीं देना है, आपको नेट फोर्स जीरो करना है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया ना, जितना फ्रिक्शन लग रहा था उतना ही आप बाहर से फोर्स लगा रहे थे तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो पहले से मोशन कर रहा था, आपने नेट फोर्स जीरो कर दिया, फ्रिक्शन लग रहा था जो अपोज कर रहा था उसके मोशन को, आपने फ्रिक्शन को कैंसल आउट कर दिया, यानी कि नेट फोर्स जीरो कर दिया, तो ऑब्जेक्ट अपना नॉर्मल मोशन करते हुए मस्त रमता जोगी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मान लो भाई ये सब क्यों करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से करना पड़ रहा है, अच्छा ये जो गैलीलियो ने एक बेस रख दिया जिसका हम आगे देखेंगे यूज कि क्या क्या था ये चीज, इसको हम आगे किस तरह से पढ़ेंगे, वैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, तो यही पूरी कहानी थी, फ्रिक्शन का बड़ा लपड़ा है ना, फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, सोचो आप एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, भगवान का मूड किसका, आज से फ्रिक्शन बंद, जाओ फ्रिक्शन की छुट्टी, अब फ्रिक्शनल फोर्स की छुट्टी हो गई, अब आपकी गाड़ी साइकिल कैसे रुकेगी, है ना, अब बोलोगे साइकिल ऐसे भी हम थोड़ी ना, अपने आप थोड़ी रुकती है हमारी साइकिल, कि घर पहुंचने वाले हैं तो वो दूर वाली गली से पैडल मारना बंद कर दिया, है ना, पेडल मारना बंद कर दिया, फिर अपने आप फ्रिक्शन से धीरे धीरे स्पीड कम होते होते घर के पास आके साइकिल अचानक से रुक जाएगी, इतना परफेक्ट कैलकुलेशन, वाह 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 वाह, ऐसा तो होता नहीं है ना, साइकिल कैसे रुकते हैं, हम ब्रेक मारने से, है ना, अपन ब्रेक मारते तो क्या होता है, अपन को जहां रुकना होता है उसके थोड़ी देर पहले ब्रेक मार देते हैं अपन, ये रुक गए अपन यहां पर, है ना, धीरे धीरे करके ब्रेक मारते, एकदम पास पहुंच गए तो जोर से मार देते, गाड़ी यहां पर खड़ी हो गई, नहीं साइकिल चला रहे थे ना, साइकिल खड़ी हो गई, अच्छा अगर फ्रिक्शन की छुट्टी कर दी भगवान ने तो ब्रेक में भी थोड़ी ना फोर्स लगेगा, ब्रेक में जो फोर्स लगता है ना वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, आपका ब्रेक और व्हील दोनों आपस में घिसते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, भगवान ने तो फ्रिक्शनल फोर्स की छुट्टी कर दी है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो आपका ब्रेक लगेगा क्या, नहीं लगेगा, फिर आपकी साइकिल जाए जाएगी आगे दो चार लोग रस्ते में पड़ेंगे वो भी आपकी साइकिल पर चढ़ जाएंगे, आप ठोक दोगे अंदर, चढ़ा लोगे साइकिल पर, समझ रहे हो ना, दो पैर के चुन डाल के उठा लिया साइकिल पर, ऐसे ऐसे चले जा रहे, फिर कहाँ रुकेगी तुम ही जानो, अगले वीडियो में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।